ताई बाप साहब। खबर शामिल करते हैं कोटली से, हमारे नुमाइंदे एजाज अली देथो की, जहां पर मुस्लिम टाउन के रिहायशी तालब हुसैन आरई और मुस्माद फायजा आरई का जामसर प्रेस क्लब पर बासर लोगों के खिलाफ एहतजाज। कब्जा माफिया असें भजाने पे चाहन गरीब मा पैसे पैसन से जगह वर्दी आ असा जुल्म लगो पियो आ सो यो या एसएसपी जाम शोरो दे देखे देखे भी बुदन बुदन जरा उदन असा के इंसाफ का पे असा के इंसाफ का पे असा के इंसाफ मामलो यो असा के गरीब भाई असा के लडाण दा चाहन बा सही दा एकरो नालो हैदर आ एकरो नालो अबड़ो एकरो अबड़ो आ मीर मीर कंदा ने तालब हुसैन आरई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे घर के ऊपर मुसलसल काफी दिनों से फायरिंग की जा रही है और हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बास अफराज सैयद हैदर और मीर अबड़ो हमें घर खाली कराने के लिए धमकियां दे रहे हैं। हमने अपने इलाके के टेलीग्राफ पुलिस पोस्ट पर रिपोर्ट करवाई थी, जिसके बावजूद भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाते हुए मीडिया को बताया कि सैयद हैदर और मीर अबड़ो हमसे हमारा घर ज़बरदस्ती खाली करवाना चाहते हैं, जो कि हमने ख़रीदा है और अरसा दराज से इसमें हम रिहायश पज़ीर हैं। बासर अफराद ने हमारा जीना महल कर दिया है। इन्होंने एसएसपी जामशर और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि कब्जा माफिया सैयद हैदर और मीर अबड़ो को गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ और तहफ़